हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती न्यू नोटिस 39 केंद्रीय विद्यालय से एक साथ टीचर वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो बड़े नंबर पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अलावा और जो मल्टीपल वैकेंसीज होती है, जैसे कि काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये सारी वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह कि 39 केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज हैं जो एक साथ आप फिल की जाएंगे और उनके लिए आप अपियर हो सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो वैकेंसीज की जॉब लोकेशन क्या है, सबसे पहले ये आप चेक कर ले। अगर आपके लिए सुटेबल है तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वीडियो में, जैसे कि क्या क्या कैरी करना है वॉक इन इंटरव्यू में, जॉब लोकेशन के बाद कहाँ कहाँ पर आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं, क्योंकि 39 केंद्रीय विद्यालय की एक साथ है तो कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय आप विजिट कर सकते हैं, डेट ऑफ इंटरव्यू, इसके साथ क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या रहने वाली है और इसी तरीके की बाकी सैलरी वगैरह की डिटेल भी आगे वीडियो में कवर की जाएगी। अगर जॉब लोकेशन सुटेबल है तो आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो वैकेंसीज जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लस्टर वन में ये वैकेंसीज नजर आ रही है, पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी, बाकी सब भी डांस इंस्ट्रक्टर, ये सब। क्लस्टर टू में वैकेंसीज नजर आ रही है आपको, क्लस्टर थ्री में वैकेंसीज नजर आ रही है आपको, फिर क्लस्टर फोर में वैकेंसीज आ रही है आपको नजर, क्लस्टर फाइव में और एक रीजन में टोटल जितने भी क्लस्टर सिक्स की वैकेंसीज नीचे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी और क्लस्टर सेवन में इतनी सारी वैकेंसीज हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले कहाँ के क्लस्टर्स हैं ये देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन, दिल्ली रीजन में टोटल सेवन क्लस्टर्स हैं। हालांकि इंटरव्यू जो है वो खास लिमिटेड जगह पर ही हो रही है, लेकिन कितने क्लस्टर में कितने केंद्रीय विद्यालय ये हम पहले देख लेते हैं। तो दिल्ली रीजन से सबसे पहले चीज तो क्लियर हो गई कि दिल्ली रीजन से वैकेंसीज आई हुई हैं और दिल्ली रीजन में टोटल सेवन क्लस्टर्स हैं और इन सात क्लस्टर्स में, अगर आप क्लस्टर लिस्ट है यहाँ पर मेरे पास टोटल अगर देखें तो हर क्लस्टर में कितने स्कूल्स हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं और उसके बाद वैकेंसीज की डिटेल। तो क्लस्टर वन में टोटल सबसे नीचे आप देखते चले जाएं, क्लस्टर वन में टोटल सेवन केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर टू में टोटल टेन केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर थ्री में टोटल दस केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर फोर में थर्टीन केंद्रीय विद्यालय हैं और इसके बाद क्लस्टर फाइव में थर्टीन केंद्रीय विद्यालय हैं, क्लस्टर सिक्स में एट केंद्रीय विद्यालय और क्लस्टर सेवन में एट केंद्रीय विद्यालय हैं। कुल मिला के सात क्लस्टर्स में, सेवन क्लस्टर्स में 39 केंद्रीय विद्यालय हैं। तो अब देख लेते हैं इनकी डिटेल्स। 39 तो केंद्रीय विद्यालय हैं, बट इनके लिए इंटरव्यूज लिमिटेड जगह पे कंडक्ट कराई जा रही है। हर क्लस्टर में तीन केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर आपको जाके इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपियर होना है। तो जो भी लोकेशन आपके लिए सुटेबल है उसमें से कोई भी एक लोकेशन आप चूज कर लें और वहां पर जाके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपियर हो जाएं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन 8:30 से स्टार्ट हो जाएगी, 10:30 AM तक लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो आप 8 या 8:30 के टाइम पर पहुंच जाए। इंटरव्यू 9 AM मॉर्निंग में शुरू हो जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ एक साइड रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे साइड में इंटरव्यू पैनल बैठे होंगे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बड़े नंबर पे बल्क में कैंडिडेट्स भी आएंगे और बल्क में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट भी करना, इसलिए सुबह से ही आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। हो सकता है लेट इवनिंग तक या थोड़ा रात तक रुकना पड़े, उसकी तैयारी आप कर लें। तो क्लस्टर वन में डेट ऑफ इंटरव्यू 9 मार्च 2023। नेम एंड एड्रेस ऑफ केवी, क्लस्टर वन में जो सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, पीआरटी, पीजीटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, बैंड इंस्ट्रक्टर। तो पीआरटी और इन सब के लिए अगर आप वॉक इन इंटरव्यू जाना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी नियर कारकोरडुमा कोर्ट दिल्ली, यहाँ पर आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। क्लस्टर वन में कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय है वो आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल वॉक इन इंटरव्यू के लिए वो लोकेशन पिक करें जहां पर आपके लिए इजीली जाना और वापस लौटना पॉसिबल हो, जो आपके घर के आसपास हो। तो जिस केंद्रीय विद्यालय के सामने जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जैसे पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, अगर आपको इस केंद्रीय विद्यालय में वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वॉक इन इंटरव्यू इस केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर ब्लॉक नंबर 6 में कंडक्ट कराई जाएगी। इसी तरीके से ये सारे सेम सब्जेक्ट क्लस्टर टू में भी अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में कंडक्ट कराए जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू। ये सभी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, संविदा के आधार पर हैं। तो ये आप चेक कर लें कि आप कौन से स्कूल में जाकर वॉक इन इंटरव्यू देना आपके लिए पॉसिबल होगा,
तो सब्जेक्ट्स चेक कर लें। अब ये लिस्ट कहाँ से आप देख सकेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह, एक बुकलेट भी जारी कर दी गई है इससे रिलेटेड। बुकलेट की जो डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है। 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, TA DA नहीं दी जाएगी। इस बुकलेट पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, आप पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। 18 to 65 ईयर्स तक के एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए आवेदन अलग अलग देने होंगे। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको थोड़ा पढ़ाना चाहिए, थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश जरूर आपको बोलना आना चाहिए। कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो तो वैसे भी हम सीख लेते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, ये ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट मस्ट हैव टेकन, ये वैक्सीन लिया होना चाहिए आपने, ये आपके आपकी सर्टिफिकेट है तो आप कैरी करना। जो सॉफ्ट कॉपी भी होगी बहुत लोगों के पास, वो कैरी कर सकते हैं दिखाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा भी लिखा है कि आप ड्रेस कोड में ऐसा कुछ नहीं है, नीट क्लीन एंड ट्रिम होना चाहिए। कैजुअल इनफॉर्मल वाइट वाइल ऑन ड्यूटी शैल नॉट बी कैजुअल एंड इनफॉर्मल, ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। सैलरी की डिटेल दी हुई है, PGT ऑल सब्जेक्ट के लिए 27,500 पर मंथ, TGT ऑल सब्जेक्ट के लिए 26,250 पर मंथ, PRT ऑल सब्जेक्ट के लिए 21,250 पर मंथ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपीज पर मंथ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 3 to 5 क्लास के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, बैंड इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250 पर मंथ, काउंसलर डॉक्टर काउंसलर के लिए 26,250 पर मंथ। डॉक्टर्स की जो पेमेंट होगी वो 2 आवर्स की विजिट होती है पर डे, उसके लिए 1,000 रुपीज पर डे, नर्स के लिए 750 रुपीज पर डे। ये सैलरी की डिटेल है, सभी को क्लियर रहेगी आई थिंक। इसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं, वेबसाइट भी हम विजिट करेंगे, कौन सी वेबसाइट पे आपको देखना है। बायोडेटा जो कैरी करनी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एक करके आ रहे हैं तो आपके भी आ जाएंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू 9 मार्च 2023 है सभी के लिए, सभी क्लस्टर में, जहाँ पे भी जो भी आप केंद्रीय विद्यालय आप विजिट करना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, उनकी जो है रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग टाइम 8:00 8:30 आप पहुंच जाए। 9 मार्च ही सभी की इंटरव्यू रहने, 9 मार्च 2023। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की डिटेल रहेगी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास में BEd होनी चाहिए। सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन दी हुई है, PGT इंग्लिश में, इंग्लिश आपने पढ़ा ना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। PGT हिंदी में, हिंदी या संस्कृत वाले, संस्कृत अगर हिंदी के साथ पढ़ा है, ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है तो इसी सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन आप पेज नंबर 11 पर चेक कर सकते हैं PGT के लिए। बाकी इसमें रहता ही है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स मार्क्स के साथ, और BEd होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा आपको आना चाहिए पढ़ाने के लिए। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, BEd के कंपलसरी नहीं रहता, बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, BE BTech एनी स्ट्रीम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, BE BTech कंप्यूटर साइंस, BE BTech IT, MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, DOEIC B level, DOEIC C level, कुछ भी आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस और बायो साइंस और बायोकेमिस्ट्री, 50% या अबव मार्क्स के साथ में अगर है तो। इसमें भी BEd नहीं मांगी गई है। PGT फूड एंड फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म वगैरह के लिए भी देख सकते हैं। बेसिकली अब हम चलेंगे TGT के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे दिया गया है तो यहाँ पर आप देख लें। SST में थोड़ा प्रॉब्लम सबको रहता है कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो सबसे पहले तो बैचलर डिग्री में आपके 50% या अबव मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपकी BEd होनी चाहिए और CTET Paper 2 BEd और इक्विवेलेंट CTET Paper 2 क्वालिफाई होना ही चाहिए, CTET Paper 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन में इंग्लिश में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स, हिंदी में TGT हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स, TGT SST के लिए एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर पढ़ा होना चाहिए। TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, संस्कृत में संस्कृत होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए भी काफी सारा दिया है, बैचलर डिग्री मैथ्स में होना चाहिए और
कोई भी दो सब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। साथ में बीएड होनी चाहिए, साथ में सीटेट पेपर टू होना चाहिए। टीजीटी के जो डिस्प्ले है वो अच्छी नहीं है, सॉरी टीजीटी जो अलग अलग से दिया हुआ है। अब हम चलेंगे पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें 12th अगर आपने पास किया है मीन्स सीनियर सेकेंडरी, 50% या अबव मार्क्स के साथ में 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या फिर 50% सीनियर सेकेंडरी 4 ईयर बीएलएड है, या फिर 12 पर सीनियर सेकेंडरी या 12 जो भी आप बोले 50% या अबव मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड है ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स के साथ में बीएड है तो भी आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं, अप्लाई नहीं करना इसमें। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए आप देख लें क्या है क्वालिफिकेशन, और इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह काफ़ी पोस्ट हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए जिनके पास डीएड है स्पेशल एजुकेशन में, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर वाली डीएससी है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 10-12 ऑप्शंस हैं। इनमें कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी दोनों में से किसी के लिए या दोनों के लिए आप स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर वाले पेज नंबर 16 पढ़ लें, आपके पास इसमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। तो ये हो गई बात। अभी स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, काउंसलर, इन सब के लिए अगर आप देखना चाहते हैं क्वालिफिकेशन, और डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, बैंड इंस्ट्रक्टर एटसेट्रा के लिए, तो आप पेज नंबर 17 को विजिट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। आप टाइप भी कर सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी फोटोकॉपीज रेडी होनी चाहिए। फोटोकॉपीज में 10th ऑनवर्ड्स 10वीं से लेके अभी तक के लेटेस्ट जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है एजुकेशनल, उनकी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद से साइन की हुई फोटोकॉपीज आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में, साथ में आप एक आईडी प्रूफ जरूर रखें, साथ में मास्क जरूर रखें, अभी ऐसा चल रहा है, और आपने अगर वैक्सीन लिया है तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर कैरी करें, जो उसकी फोटोकॉपी कैरी कर लें। मेन जो एप्लीकेशन में आपको क्या सबमिट करना है, फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी ब्राउड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बट मेरा ऐसा रहता है कि कलर प्रिंट आउट आप कैरी कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए तो वापस नहीं मिलते, इसलिए कलर प्राइवेट जॉब के लिए या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए कलर प्रिंट आउट ले लें जो सेम ऐसे ही दिखते हों ओरिजिनल जैसे। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस दिल्ली की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस दिल्ली। तो रीजनल ऑफिस दिल्ली से इसलिए आई है क्योंकि पूरे रीजन में जितने क्लस्टर हैं सभी में जहां जहां वैकेंसीज हैं वो सभी इन इंटरव्यूज से फिल की जाएंगी नए एकेडमिक ईयर के लिए। ये जॉब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहती है, 11 मंथ्स का रहता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद रिन्यू भी होता है, कई बार रिन्यू नहीं भी होता है। बायोडेटा जो अभी आ रहे हैं, अभी बायोडेटा ये डाउनलोड कर लेना, आपको फिल करना है और आपको लेके जाना है सभी फोटोकॉपीज के साथ में। अभी बायोडेटा डॉक्टर नर्स का अपलोड हो गया यहाँ पर वेबसाइट पे, और योग प्रशिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक, परामर्शदाता, ये सब के लिए मेन पीजीटी टीजीटी पीआरटी का बायोडेटा भी आ जाएगा थोड़े देर में, आप वहाँ डाउनलोड कर लें और ये बुकलेट इसको पढ़ लें अच्छे तरीके से। और ये शॉर्ट नोटिस है इंग्लिश हिंदी ऐसा दिखेगा आपको, मैं दिखा देती हूँ, ये शॉर्ट नोटिस है इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश में है और हिंदी में है, ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश वाली एडवर्टीजमेंट ऐसी आपको शॉर्ट में दिखेगी। ये सब चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।